अज अपने को आया सैमसंग A31 जिसकी आप ओरिजिनल डिस्प्ले चेंज करा इसकी डिस्प्ले क्रैक हुई थी। पहले आप बैक पैनल 80 डिग्री दे हीट करा 10 मिनट के लिए तो इस रिमूव कर लाँगे। इसके सारे स्क्रू वगैरह रिमूव करा तो इसकी साइड विंग को अलग करा तो इसका जो डिस्प्ले का पत्ता उसको अलग करा तो इसकी बैटरी रिमूव करा। बैटरी इसकी पहले भी चेंज हो रखी है आसानी लूज हो गई है। हुण इस तो आप मदरबोर्ड को उठावे तो हीट करा डिस्प्ले में ताकि अपना मदरबोर्ड डैमेज ना, इसलिए आप उसनू साइड कर लिया क्योंकि इस आप थोड़ा जहा कैमिकल की वरतों करा जिस नाल डिस्प्ले आसानी नाल बाहर आएगी तो फ्रेम में कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये अपने को कैमिकल है, ये रीलाइफ का है 83-33 मॉडल है। इतना ग्लू का ग्लू रिमूवर का जोड़ा भी है यू आप सारे पावे जिते इतने होल ने। इस कैमिकल की वरतों करना डिस्प्ले आसानी ना फ्रेम में बाहर आ जाती है। साइड तो आप डिस्प्ले थोड़ी चकांगे तो उस जी पिछली शीट है उसमें इस फसावे तो थोड़ा थोड़ा साइडा तो आप इस डालेंगे तो डिस्प्ले अपनी आसानी ना लूज हो जाएगी। तो जी इस पिछे बैक टेप लगी होंगी बहुत आसानी ना इस रिमूव हो जाती है। थोड़ा आप ग्लू होर डालेंगे तो साइडा तो आप हौली हौली करके पन्नी थले करा थोड़ा थोड़ा आप नाल ग्लू डालेंगे रिमूवर डालेंगे जिन्ना डिस्प्ले अपनी प्रॉपर बाहर आ चली है। तुम देख सकते हो बड़ी आसानी नाल सीधी डिस्प्ले बाहर आई है। कोई ज़्यादा आप जोर धक्का शाही करने की लड़ नहीं पै रही। बोर्ड में आप जरा इस रखा तो इस चार्जिंग चूर्जिंग के सारे जो पत्ते वो लगावे हम आप इसकी बैटरी पहले वैसे ही टकई गई थी। आप ग्लू ना साइडा ला के इस फिक्स करा ता कि बैटरी बच्चे हले डुले ना। ये आप मकैनिक कंपनी का ग्लू वरत रहे हैं। यह प्रॉपर ओजी क्वालिटी का ग्लू होंगे है। ये सुकण के बाद जिदा रबड़ बन जाता है जिस टाइप की पहला अपने इतने टेप लगी होंगी है डिस्प्ले साइडा पर जी आप कंपनी वालों आँदी है उस टाइप का हो जाता है। जो ये सुकता है इन्ना डिस्प्ले फिनिशिंग बहुत वधिया आँदी है। तो आप गब्बे भी सेंटर से टेप लगी होंगी उत्थे भी थोड़ा ग्लू लगावे ता कि अपनी डिस्प्ले कदे भी बाहर निकल के ना डिगे क्योंकि जे आप ज़्यादा ग्लू ना लावे तो डिस्प्ले कई यार थोड़ा मोटा हीट धुप्पना भी जिदा बाहर आ जाती है चक होने लग जाती है। हम आप डिस्प्ले ये अपने ओरिजिनल डिस्प्ले इसमें ये रखा तो हम साइडों तो हमने आप इस टाइम ही ग्लू क्लीन करा क्योंकि बाद सुकन के बाद ग्लू बहुत औखा क्लीन होंगे है। हमने इस आप सारे स्क्रू वगैरह कसा तो बैक पैनल से भी जिते इसे टेप लगी थी उत्थे आप ग्लू लगावे वादू किसी भी थान आप ग्लू नहीं लावे। जो आप वादू ग्लू लाने तो उस एंटीना पत्ते भी जोड़े वो भी नाल चिपक जाते हैं। हूँ अपना इस मशीन में घंटे एक घंटे लिए रखा थी। इस आप रबड़ बैंड पाने की लड़ नहीं पैंती। तो ये देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले एकदम प्रॉपर जुड़ चुकी है। साइडा तो भी देख सकते हैं एकदम प्रॉपर ओरिजिनल फिनिशिंग आई है। ओरिजिनल डिस्प्ले सी तां करके